इन पर्चियों में क्या रखा हुआ है जो तुम गले में काले काले पट्टे लटका के घूमते हो? कल एक साहब अच्छे भले मोटे ताजे हट्टे कट्टे, उनके गले में मैंने एक तावीज देखा। मैंने उनसे कहा, यही स्टाइल था मेरा, ये क्या लटकाया हुआ है यार, काला पट्टा हिंदुओं की तरह। कहते हैं भाई जायज तावीज है। मैंने कहा जायज ना जायज की बहस मैंने की आपसे, अच्छा लग रहा है ये काला पट्टा गले के अंदर लटकाया हुआ यहाँ पे, छोड़ो सुन्नत पर अमल करो। नबी इस रात को सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम किया करते थे। जायज नाजायज की बहस में तो मैं पढ़ ही नहीं रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, ये मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये अच्छा लग रहा है, ये क्या पट्टे गलों में डाले हुए हैं? जानवरों के गले में पट्टे होते हैं या मुशरिकों के गले में पट्टे लगते हैं, वो काले धागे नीले धागे, लोगों को देखा होगा ना अपने अंगूठे पे अलग धागा बांधा हुआ है, इधर अलग धागा, इधर इमाम जामिन, इधर कुछ इधर कुछ। ओ भाई नीट क्लीन सीधे साधे घूमो, कोई टेंशन हो अल्लाह से दुआ मांगो, ख़त्म। और सुन्नत को फॉलो करो। सुन्नत में क्या है, रात को सोने से पहले चारों कुल पढ़ के दम कर लिया, आयतल कुर्सी पढ़ ली, सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा पढ़ लिया, बस। अब भी अगर जिन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ना अब आएगा लाजमी, वो जिन नहीं है, वो कोई और चीज़ है वो जिन, ठीक है ना। तो नहीं आएगा जिन चुड़ैल भूत इंशाल्लाह। ये इन तावीज़ गंडे वालों के ज़्यादा आते हैं जिन चुड़ैल भूत। तो मेरा भी यही स्टाइल होता है, क्या गले में जाहिलों की तरह पट्टे डाल के, वो कहता है क्या नाजायज़ है। वो भाई नाजायज़ का फतवा मैं नहीं दे रहा, लेकिन ये अच्छा लग रहा है आपके गले में तो छोड़ो इसको, उठा के फेंको। हमारे गले में देखा कभी कोई पट्टा? अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चों के गले में कोई पट्टा नहीं है, कुछ भी नहीं, आराम से हंसी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे रहा है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और आमिलों के ख़िलाफ़ इतना बोलने के बावजूद आज तक कोई आमिल ऐसा नहीं है कोई जिन चुड़ैल भेज के मुझे कोई नुकसान पहुँचा सके। इन कमबख्तों के पास कुछ है ही नहीं, ये तो बुज़दिल लोगों के लिए अल्लाह ने इन लोगों को पैदा किया है। तो इसलिए ये पट्टे मट्टे काले नीले पीले फलीते पलीते धागे ये छोड़ दो, ये सब चीज़ें, ठीक है, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करो। तावीज़ के हवाले से भी समझ लें, तावीज़ लटकाना जो है गले के अंदर कुरानी सूरत का या कुरानी आयत का, इसका सबूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता, सहाबा इकराम अली रिदवान से नहीं मिलता, एक सहाबी का मिलता है लेकिन वो रवायत ज़ईफ है, वो सुन्न अबी दाऊद से और मुस्नद इमाम अहमद से पेश की जाती है कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु छोटे बच्चों को तो दम डाला करते थे, जो बड़े बच्चे थे उनको दम डाला करते थे, और छोटे बच्चे जो पढ़ना नहीं जानते थे उनके गले में तख्ती लटका देते थे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित तामाति मिन शर्री मा खलक, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित तामाति मिन शर्री मा खलक, ये लिखकर। अलबत्ता अगर कोई ये करता है कि कुरानी आयत का तावीज लिखकर गले में लटकाता है तो इसको तो ना हम बिदअत कहते हैं, ना शिर्क कहते हैं, ना हराम कहते हैं, ये फतवा नहीं लग सकता। और ये जो हदीसें पेश करते हैं जिसने तावीज लटकाया वो उसने शिर्क किया, वो तावीज की ही तरफ हो गया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तावीजात के बारे में फरमाया जो शिर्किया तावीज उस वक्त लिखे जाते थे। आप तो मुस्लिम शरीफ की हदीस नहीं सुन चुके, 5732 और 5731 के अपने दौरे जहालियत के दम भी मुझ पर पेश करो, अगर उनमें भी शिर्क नहीं तो उनको भी करते रहो, तो ये कैसे हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दम की इजाजत दे रहे हैं और वो तावीज ना लटकाने, वो शिर्किया तावीज होते थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लटकाने से मना किया। वरना किसी मुसलमान की जुर्रत है कि कुरान की आयत लिख के वो किसी के गले में लटकाए तो आप उसको कहेंगे इसने शिर्क किया? आप चले बहुत सख्त है तो बिदत कह सकते हैं कि ये साबित नहीं है, तो आप बिदत कहते हैं, हम तो बिदत भी नहीं कहते क्योंकि ताबीन से साबित है, तो जो चीज ताबीन से साबित हो और उस मामले में कोई इख्तलाफ ना पाया जाता हो तो हम उसके ऊपर कोई फतवा नहीं लगाते। ये तो किताब सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह मनहज और सलफ का फार्म है, इस हवाले से मैंने आपको क्लियर कर दिया। अलबत्ता ये जो बिस्मिल्लाह के 786 हरफ लिखे हुए हैं, मोहम्मद के 92 रखे हुए हैं, अल्लाह के 66 रखे हुए हैं, ये रूफ अबजद, और इनके तावीज लिखना ये तो कतन किसी सूरत ही साबित नहीं है, और ये तो कुरान पाक के साथ बिल्कुल इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, और उल्टा ये तावीज लिखकर जो है वो रोटी रोजी चला रहे हैं। इस तरह के मामलात करने की भाई इस्लाम में कोई इजाजत नहीं है, बिल्कुल कुरान हकीम की तारीफ है। तावीज लटकाने के एतबार से मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है भाइयों कि देखें, शहद के चाटने में ही शिफा होगी ना, सूरत नहल में आया कि शहद में शिफा है, तो आप कोई शहद की बोतल गले में लटका ले कि जी कुरान में आया शहद में शिफा है, जैसे शहद की बोतल नहीं गले में लटकाई जा सकती, लटका सकता कोई, कहेगा लटकाएं? हम कहेंगे शहद को चाटे तब शिफा होगी, तो तरीका बताया।
तो कुरान में जो शिफा आई सूरह बनी इसराइल में आएगा, कुरान में शिफा है, सूरह यूनुस में आएगा शिफा है, उस शिफा को हासिल करने का तरीका तो बता दिया। ये तीन तावीज है, मुआवजा, तीन पना देने वाली सूरतें, कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़कर फूके। हम ऐसे चीज़ों का सहारा लेते हैं जो हराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और ये रिवायत जो है मुस्तद अहमद की है, आपने फरमाया, अल्लाह खतमी मतन फला अथम अल्लाह लहू, जिसने तावीज़ को लटका लिया, आप सब फरमाते हैं अल्लाह उसकी हाजत कभी पूरी ना करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी कि जिस शख्स ने किसी बीमारी, नजर बद या किसी चीज़ के इलाज के लिए तावीज़ लटकाया, अल्लाह कभी उसकी हाजत पूरी ना करे। दूसरी एक रिवायत जो कि मुस्नद अहमद की ही, आपने फरमाया का मन अल्लाह खतमी मतन फ़कदा शरक, जिसने तावीज़ लटका लिया उसने शिरक किया। अबू दाऊद की रिवायत में फरमाया, मन अल्लाह खतमी मतन वक्किल अलैहि, जिसने तावीज़ लटका लिया अल्लाह उसको उसी के जिम्मे कर देता है। और मुस्नद अहमद की रिवायत में फरमाया, जो तावीज़ लटका ले अल्लाह उसकी कभी हाजत पूरी ना करे, वह हमेशा उसमें परेशान रहे। नबी ने बद्दुआ भी दे दी। अरे नहीं 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 नहीं, ये वो गैर मुस्लिमों की तावीज़ थे जो आप सबके ज़माने में थे, मुसलमानों के दिए हुए तावीज़ जायज़ है। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल ने कहीं फ़र्क किया मुसलमान के तावीज़ या जो मैं दे दे मेरे सहाबा के तावीज़? हाँ, मन अल्लाह खतमी वतन फ़कद अशरक, मन अल्लाह खतमी वतन उक्किला इलाही, जिसने तावीज़ पहना उसने शिरक किया, जिसने तावीज़ पहना अल्लाह उसके हवाले कर दे। यहाँ पर मन अल्लाह खतमी वतन फलातम अल्लाह लहू, जो तावीज़ पहने अल्लाह उसकी हजत कभी उस जिस चीज़ के लिए। एक तावीज़ का है कि अपन तावीज़ बांध, हमारे यहाँ कहते हैं तावीज़ पहना शिरक है, ठीक है, और फायदा नहीं होता, करने वाली जात तो अल्लाह की है जी। जो और तीसरा ये है कि कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी लोगों ने तावीज़ बांधे हैं। खुद सहाबे किराम अलैहिम रिदवान कहते हैं कि हम बाज़ दुआओं के बारे में फरमाया कि हम ये दुआ पढ़ते थे और छोटे बच्चों के गले में बतौर तावीज़ बना के डाल दिया करते थे। असल में जिन तावीज़ात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, वो तावीज़ात थे जो कुफ्फार के अंदर राइज थे और कलिमात कुफ्र व शिर्क पर मुश्तमिल थे, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। यही वजह है कि बुखारी और मुस्लिम की रिवायात में मौजूद है कि लोगों ने पूछा, रसूलल्लाह हम बास कलिमात से दम करते हैं, क्या यह जायज़ है? आपने शायद फरमाया कि पहले वो कलिमात मेरे सामने पेश करो। जब उन्होंने पेश किया, आपने सुना तो उसमें कोई कबाहत नहीं थी, फरमाया, इजाज़त दी बाकायदा, ठीक है आप इसमें दम करें। और जिनमें कोई कबाहत आप महसूस फरमाते उसको मना फरमा दिया करते थे। तो तावीज़ बांधना अगर सिर्फ इस कस्दो इरादे के साथ हो कि शिफा अल्लाह तबारक व ताला देता है, ये तावीज़ नहीं देता है, ये बस एक जरिया है, वसीला है, और जरिया वसीला इख्तियार करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। जैसे दीगर तरीक़ा हाय इलाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किए, तो जैसे हम टैबलेट्स यूज़ करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं, तो क्या हमें अल्लाह ताला पर यकीन नहीं होता या हम ये शिर्क के मुर्तकिब हो रहे हैं? यकीनन नहीं, हम इन्हें वसीला समझते हैं। और अकीदा ये होता है कि शिफा अल्लाह ही देगा, ये गोली नहीं देगी, डॉक्टर नहीं देगा। इसी तरह तावीज़ के बारे में भी अगर कोई यकीन रखे कि शिफा तावीज़ नहीं दे रहा है, हमारा रब्बे करीम देगा, लेकिन रब्बे करीम की ही आदत करीमा है कि वो जब कुछ अता फरमाता है तो कोई ना कोई जरिया और सबब कायम फरमा देता है, और तावीज़ भी एक सबब और जरिया है। कलामे पाक की आयात को तावीज़ बनाकर गले में डालना, बाजू पर बांधना जायज़ है या नहीं, और इस पर भरोसा करना सही है या गलत? कुरान पाक के तावीज़ गले में डालना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, मसनून अमल नहीं है। कुरान पाक के तावीज़ गले में डालना मसनून नहीं है, सुन्नत से साबित नहीं है। अब आप में से कई लोग सोचते होंगे कि पता नहीं मौलवी साहब का दिमाग ख़राब है, कुरान पाक में नहीं आता कि अल्लाह ने कुरान को शिफा कहा है, आता या नहीं आता? कुरान शिफा है ना, तो जब कुरान शिफा है तो गले में डाल लो तो क्या हर्ज है? हमारे यहाँ ज़्यादा बहस क्या हर्ज की रहती है, क्या हर्ज है? ये भी तो दीन ही है ना, अल्लाह का नाम ही तो डाला है, फातिहा ही तो लिखी है। मैं कहता हूँ जिस कुरान में कुरान को शिफा कहा है, उसी कुरान में अल्लाह ने शहद को भी शिफा कहा है। शहद शिफा है या नहीं? शहद में अल्लाह ने शिफा रखी है ना, तो 1 किलो शहद की बोतल लेके गले में रस्सी बांध के गले में डाल लो, और कोई पूछे ये क्या कर रहे हो, तो भाई शिफा है, कुरान में आया शहद में शिफा है, वो कहेगा दिमाग खराब है तुम्हारा, इसको खाने से शिफा है, बोतल गले में लटकाने से शिफा नहीं है। तो हम कहेंगे भाई कुरान पढ़ने से शिफा है। कुरान अगर आपके घर में जादू है, जिन्नात का असर है, शैतानी मामलात हैं, सूरत बकरा पढ़िए शैतान भाग जाएगा, घर में आने जाने की दुआएं पढ़िए शैतान भाग जाएगा, खाना खाने के पहले की दुआएं पढ़ें, बीवी के पास जाने की दुआएं पढ़ें, शैतान भाग जाएगा। ये शैतान से बचने के तरीके हैं। और तावीज़ गले में लटकाना कुरान की आयात का, उसमें एक और ख़राबी ये है,
जब बाथरूम में जाओ तो कुरान साथ ले जा सकते हो जी? नहीं ले जा सकते, तो गले में जो लगा हुआ है ये तो साथ जाता है ना। जब जुम्बी हालत में हो कुरान पकड़ सकते हो, तो जब ये गले में लटका हुआ ये तो साथ रहता है ना, इसलिए कुरान इस काम के लिए नहीं आया।